तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो एना का टीचर तो सामने आता है, जैसे एना को देखता है जिंदा, वो खुश हो जाता है कि यहाँ पर प्रिंस ने उसकी जान बचा ली। नैना के बारे में समझाता है कि यहाँ पर नाना नाम की एक बच्ची है, उसके पास भी विच की पावर यहाँ पर है। तो प्लीज भाई, जैसे आपने एना को अपना कोको भाई बना के उसको सेफ यहाँ पर रखा है, तो नाना को भी यहाँ पर बना लो, उसको भी यहाँ पर सेफ रखो, वरना दुनिया उसको यहाँ पर सही सलामत बिल्कुल भी जीने नहीं देगी। जो सुनते सामने से प्रिंस यहाँ पर कहता है, देखो अगर ऐसी बात, अगर वाकई में नाना के पास विच की पावर है, अगर वाकई में विच, मैं उसको अपने पास रखूंगा, सेफ यहाँ पे रखूंगा। लेकिन ना सबसे पहले उसको फैमिली से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे उसके फैमिली वाले वाकई में उसको मेरे पास साथ आने देना चाहते या फिर आने बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। कई बार ना फैमिली वगैरह को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हमारी बच्ची बीच है, हमें नहीं चाहिए फांसी पर चढ़ा दो। कई बार प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है, नैना को फैमिली, एना के फैमिली को प्रॉब्लम यहाँ पे थी, इसलिए मैंने सामने उसको ले लिया। तो अगर उसके फैमिली को प्रॉब्लम यहाँ पे अगर होगी तो मैं उसको यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। और हाँ, आपने क्या बोला कि उसको कोकुम भाई बना लो, हाँ तो कोकुम भाई का टेंशन मत लो, मैंने कोई कोकुम भाई नहीं बनाया, मनी मनी यहाँ पे खुश। यस भाई, मुझे और भी विच यहाँ पे चाहिए थी, एक और भी सामने से मिल गई तो आगे चल के इनका पावर सके और डेवलपमेंट ला सकता हूँ। मेरा मानना है कि भाई विच की पावर यहाँ पे बुरी होती है, दूसरे लोग यहाँ पे मानते हैं जिसके पास विच की पावर है, समझो शैतान की पावर है, विच की पावर शैतान की पावर होती है। तो मेरा मानना है कि विच की पावर या फिर ऐसी पावर हो, पावर पावर अच्छी होती है, वो बंदों पर डिपेंड है कि बंदे लोग अच्छे से यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते। और इन्होंने कोई बुरा यूज यहाँ पे नहीं किया, इसलिए भाई मेरे लिए बिल्कुल भी बुरी यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो ये सारी बातों का टेंशन यहाँ पे मतलब साइड में सारी बातें रखो। इससे पहले ना जो ग्रे कैसल नाम का जो हमारा कंट्री है ना, उस कंट्री का जो वॉल यहाँ पर है, क्या तुमने उस वॉल को भी बनाने में पार्टिसिपेट किया है? जो सुन रहे टीचर कहते हैं यस मैंने किया था। तो ये भी कहते हैं गुड गुड, यानी तुझे वॉल बनाने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, यानी ये जो वॉल मैं बना रहा हूँ चल भाई उसका इंचार्ज अपन तुझे बना देता है। और उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन हमारे प्रिंस के पास, जहाँ पे नाना को भेज दिया जाता है। नाना सामने यहाँ पे खड़ी थी, काफी ज्यादा यहाँ पे डर थी, डरते डरते कहती है अभी मुझे जहाँ से मार दिया जाएगा। जो सुन रहे मैं कहता, यानी प्रिंस कहता है ना यार तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई यहाँ पे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो वेल तेरा नाम यहाँ पे क्या है, मुझे अपना नाम बता। वो सामने से कहती है मेरा नाम यहाँ पे नाना है। और तब उसका ध्यान एना की ओर जाता है, खुश रहती है, एना के पास जाती है और उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना चालू कर देती है। और फिर बातचीत करते करते जैसे ये देखता है नाम एना की ओर, इसके दिमाग में तब एना ना भी खाली 17 साल की छोटी बच्ची है, जब वो बड़ी यहाँ पर होगी तब तो और भी सुंदर हो जाएगी। अरे चिड़िया, ये सारी बातें मैं क्या सोचा हूँ? अरे सुनो नाना, यार मैंने सुना भी तुम्हारे पास स्विच की पावर है ना। सामने से वो कहती है मेरे पास है, तो क्या आप मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे? जो सुन रही प्रिंस कहता है नहीं रे, मैंने बोला फांसी पर ना बुरे लोग यहाँ पे चढ़ाया जाता है, और तुम कोई बुरी यहाँ पे नहीं हो, ना एना यहाँ पे बुरी हो, तुम ऐसे किसी को भी फांसी पे चढ़ाया नहीं जाएगा। सामने से नाना कहती कि वेल मैं कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ कि मेरे पास स्विच की पावर है या विच की पावर यहाँ पे नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं जिस लड़की के पास विच की पावर यहाँ पर होती है ना, वो ऐसी लड़की होती है जिनका कॉन्टेक्ट है ना किसी शैतान के साथ पहले हुआ हो, और मेरा कॉन्टेक्ट किसी भी शैतान के साथ यहाँ पे नहीं हुआ था। सामने से प्रिंस कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भी पावर है, तुम्हें कब ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरे अंदर कोई ऐसा अजीब चेंजेस आ गए हैं? जो सुंदर ये बताती, लगभग 1 हफ्ते पहले मैं रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी नहीं खा रही थी, तभी मुझे एक चिड़िया यहाँ पे दिखा दिया, जिस चिड़िया का पैर यहाँ पर ना ऐसा चोट लगा हुआ था जिस चक्कर में सही से उड़ यहाँ पे नहीं पा रही थी। जैसे मैंने उठाया ना, मेरे हाथ के अंदर से ना कुछ अजीब सी चीज यहाँ पे बाहर आई। जो सुनते प्रिंस कहता भाई अजीब सी चीज बाहर आई, क्या चीज यहाँ पे थी? उसके बाद क्या हुआ ये बताती, अजीब सी चीज जो बाहर आई ना, वो पानी यहाँ पे था, वो पानी बाहर आया, उसने जो चिड़िया थी उसको चारों से खेल लिया, फिर चिड़िया का जो पैर यहाँ पे था ना, वो पैर अपने आप यहाँ पे ठीक हो गया और फिर चिड़िया उड़ के निकल गई। जैसे सामने से प्रिंस सुनता ना, वो अपने नाइट से कहता नाइट जल्दी से जाओ और एक चिकन यहाँ पर लेकर आ, और चिकन जो रहेगा ना वो एकदम हेल्थी, एकदम हट्टा खट्टा यहाँ पर रहना चाहिए, जिसको कोई बीमारी ना हो। जो सुनते सामने से वो भी कहता ओके ठीक हो जाएगा। इसके दिमाग में ऐसा डाउट आता है, शायद हो सकता है नाना के पास जो पावर ना वो हीलिंग पावर हो, जैसे इसने चिड़िया को हील कर दिया ना, शायद वैसा हीलिंग पावर हो। फिर सामने से प्रिंस ना नाना से भी कहता है कि देखो यार तुम्हारे पास जो एबिलिटी यहाँ पर ना, वो बीमार लोग को, चोट लगे हुए लोग को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, यार ये तो अच्छा एबिलिटी यहाँ पर, फिर तुम ऐसा क्यों कहते भाई तुम्हारे पास स्विच की पावर है? जो सुनते ये कहती है आई डोंट नो, बस मैं टीचर ने यहाँ पे कहा था, जो विच लोग यहाँ पर होते ना, विच लोग शैतान लोगों द्वारा ऐसे पावर यहाँ पे मिली रहती है, जो विच लोग रहते हैं नॉर्मल लोग से यहाँ पे अलग होते हैं, जो कि होली चर्च वाले ने यहाँ पे बताया जी चक्कर में ऐसा कहा जाता है। जो शैतान लोग ना वो विच लोग ऐसा मैनिपुलेटर के पावर देके दुनिया में जो लोग हैं ना उनको नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा करते हैं। जो सुनते ये बोलते कि नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस ये होली चर्च के लोग ना वो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे फैलाते हैं। जो सुनते नाना कहती है अच्छा इसका मतलब जो होली चर्च वाले वो दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा काय को बोले जा रहे हैं? जो सुनते ये कहता अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम अभी छोटी बच्ची को समझोगी नहीं, जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे यहाँ पे समझोगी। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है कुछ समय बाद, वो जो बंदा यहाँ पे था नाइट मुर्गा लेकर आता, मुर्गे का हाथ पैर यहाँ पे तोड़ रहा था, तो सामने से नाना भी कहती अरे संभल के यार प्लीज यार उसको तकलीफ हो रही होगी। ये कहता नहीं कोई बात नहीं टेंशन मतलब जल्दी से तोड़ो, मुर्गा हिल रहा था नहीं बन रहा था। सामने से प्रिंस कहते कि काम करो भाई रहने दो मुझे यहाँ पे करने दो, कुछ ऐसा चक्कू वक्कू लेता है घुसेड़ देता है मुर्गे पे, और नाना से कहता चलो नाना जल्दी से उसको हील करना यहाँ पे चालू करो। तो अपना हीलिंग एबिलिटी यूज करती है, मुर्गे को हील करती है, मुर्गे यहाँ पे
पे हील हो जाता है, मुर्गा भी खुश, ओ माय गॉड मैं तो हील हो गया। लेकिन क्या एक घंटे बाद ना मुर्गे की मौत हो जाती है, और बेसिकली इसने मुर्गे का ना पैर काट दिया था और उसने पैर यहाँ पे जोड़ दिए थे वापस। तो ये सब कुछ देखने के बाद इसको आड़िया यहाँ पे पड़ जाता है कि वेल वेल वेल। तो सामने से मुझे इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया इसकी पावर। ये ऐसा नहीं कि अभी किसी बंदे का हाथ पैर कट गया तो नए हाथ पैर यहाँ पे लगा देगा, नहीं नहीं ऐसा एबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। चोट ऊपर लगा पैर के ऊपर वो ठीक हो जाएगा, और बाई चांस ना पैर यहाँ पे कट गया अलग हो गया तो ये जो पैर कटा हुआ ना उसको वापस यहाँ पे जोड़ सकती है, नया पैर यहाँ पे लगा नहीं सकती। हाँ मतलब जिंदा अगर बंदा यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पे जान तब जाके हील कर पाएगी, लेकिन एक बार अगर वो जानवर या फिर इंसान मर गया तब उसको बिल्कुल हील नहीं कर पाएगी। जैसे भाई मुर्गा, जैसे मुर्गा एंड में मरा तो उसको वापस जिंदा नहीं कर पाई। सामने से नाना भाई कहते प्रिंस सर आपने अपने अपने मुर्गे की यहाँ पे जान निकाली, यू आर टू मच। ये भी सामने से कहते यार उसका टेंशन मतलब भाई मुर्गा ये रोज हम लोग ढेर सारे मुर्गे खाते हैं, चलो भाई आज रात को यहाँ पे दावत हो जाए। तो दावत यहाँ पे होती है, नाना को खाना बहुत ही पसंद आता है, फिर शाम यहाँ पर हो जाती है तो अपने नए द्वारा उसको भेज दिया जाता है कि बाय बाय। सामने से वो भी कहती है बाय बाय फिर मिलेंगे, और जैसे वहां से जाती है एना यहाँ पे कहती है कह रहे यार मतलब प्रिंस आपने उसको वापस यहाँ पे काय को भेज दिया, वो भी एक बीच है आप उसको मेरे साथ मतलब यहाँ पे रख सकते थे जैसे आपने मुझे रखा। जो सुंदर प्रिंस सामने से कहता है उसकी एक फैमिली यहाँ पर है, उसकी फैमिली वाले को नहीं मालूम कि उसके पास यहाँ पे विच की पावर है, इसके लिए भाई उसको अपने फैमिली के पास ही अभी क्लियर रहने दो। जो सुंदर है ना कहती है समय की बात है भाई, जब टाइम आएगा जब जाकर उसकी फैमिली को भी मालूम चलेगा कि विच है, उसकी फैमिली उसको धोखा दे देगी जैसे कि भाई मेरे अब्बा जान ने दिया था। जो सुंदर सामने से प्रिंस कहता है ये बात तुमने ठीक बोला, बस टाइम की बात है एक बार उसकी फैमिली को मालूम चलेगा, हो सकता है उसकी फैमिली वाले भी तुम्हारी अब्बा जान जैसा धोखा दे दें या तुम्हें अपने अब्बा जान की याद आ रही। सामने से वो कहते कि नहीं मुझे अपने अब्बा जान की बिल्कुल याद नहीं आ रही। सामने से प्रिंस कहता है तुम्हें अब्बा जान की याद ना आए लेकिन जो नॉर्मल जिंदगी तुम जो पहले जीती थी ना उसकी पक्का यहाँ पे याद आ रही होगी। क्या ना नाना आपसे यहाँ पे रोज आएगी, तो जैसे रोज यहाँ पर आएगी रोज उसको ट्रेनिंग दे देकर उसकी जो पावर है ना उसको अच्छे से कंट्रोल करना अपन यहाँ पे सिखा देगा। मैं तुम्हें लिख के बोलता हूँ कि मेरे रहते बने फ्यूचर में ना वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब चल के लोग को बता दूंगा कि यहाँ पे विच यहाँ पे बुरे नहीं होते, जिसके वजह से तुम या फिर नाना तुम्हारी जैसी जो भी विच है ना नॉर्मली पहले जैसा यहाँ पे जी पाओगे, पहले जैसा पढ़ पाओगे, पहले जैसा लोगों के बीच में यहाँ पे रह पाऊंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इतना बोलते ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।